कुकिंग मास्टर हूँ। आज मैं आपको स्ट्रेट स्टाइल बन कबाब बनाना सिखा रही हूँ। स्ट्रेट स्टाइल बन कबाब बनाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। स्ट्रेट बन कबाब बनाने के अज्जा हमें जो चाहिए होंगे, इसमें हमने 2 अदद बन लिए हैं। साथ ही यहाँ मैंने कबाब बना लिए थे जिनकी मैं पेटी बना लूँगी। ये कबाब मैंने आपको साथ ही मैंने कबाब ले लिए हैं और इसकी मैं पेटियाँ बना लूँगी। ये कबाब की रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पर दे दी है, आप जाके नीचे देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। साथ ही हमें जो चाहिए होगा रिंग में अनियन और शिमला मिर्च, इसको लंबे साइज़ में आप काट लें। ये मैं सामान आपको 2 बन कबाब का बता रही हूँ। साथ ही हम सॉस बनाएंगे जिसके लिए मुझे मायोनीस चाहिए होगी, इसके साथ हमें जो चाहिए होगा। साथ ही हमें लहसुन अदरक का वाटर चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, इसके साथ हमें ब्लैक पेपर चाहिए होगी। यहाँ हमने ब्लैक पेपर लिए 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हम सॉस तैयार करेंगे। 1 अदद हमें एग चाहिए होगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम स्ट्रेट बन कबाब बनाने के लिए हमें सॉस बनानी होगी। सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक को लहसुन अदरक के अंदर हमने ज़ीरा ऐड कर दिया था और अब इस मिक्सचर को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ये हमारी सॉस बस रेडी है। सिंपल सी सॉस है और जायका बहुत अच्छा है इसका। ये हमारी सॉस रेडी है। अब हम सेकंड स्टेप की जानिब चलेंगे, उसमें हम शिमला मिर्च और अनियन को फ्राई करेंगे। यहाँ हम एक फ्राई पैन लेंगे जिसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर दिया है, अब इसके अंदर अनियन और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें अनियन और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। और हल्का हल्का फ्राई करेंगे, तो हल्के हल्के हाथ से फ्राई करेंगे। ताकि जले ना। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेप की जानिब चलेंगे, इसको हम निकाल लेंगे प्लेटर में। यहाँ हमने शिमला मिर्च और प्याज को हमने निकाल लिया है। अब हम कबाब की पेटियाँ बनाएंगे। कबाब की हम 2 अदद पेटियाँ बनाएंगे और साथ ही हमने 1 अदद अंडा तोड़ के रख लिया है जिसके अंदर हमने रेड चिली और सॉल्ट को ऐड कर लिया था। अब हम कबाब की पेटियाँ बनाएंगे। गोल गोल करेंगे ताकि स्मूथ हो जाए और बड़ी बड़ी पेटियां बनाएंगे। दो पेटियां इस तरह बना लेंगे। 2 अदद हमने पेटियां बना ली हैं। अब हम फ्राई करेंगे इसको। यहाँ हमने वही फ्राई पैन फ्लेम पर रख दिया है जो हमने प्याज और शिमला मिर्च जिसमें फ्राई की थी। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड कर दिया है। हमने पहले से ही 1 अदद अंडा तोड़ के रख लिया था, अब इस पे डालेंगे।
और कबाब इस पर रख देंगे। एक साइड से हमारा एक फ्राई हो चुका है, अब इसको पलट देंगे हम। एक साइड से हमने पलट दिया, अब नीचे से नीचे वाली साइड पकाएंगे इसको। नीचे वाली साइड भी हमारी पक चुकी है, अब हम बन को सेकेंगे और दूसरा कबाब भी इसी तरह बना लेंगे। दूसरा कबाब भी हमारा एक साइड से पक चुका है, अब दूसरी साइड से पक रहा है। दूसरा कबाब भी हमारा बन चुका है, अब हम यहाँ बन सेकेंगे। और इसकी असेंबल करेंगे। यहाँ हम एक अदद बन लेंगे असेंबल के लिए, जिसके अंदर हमने जो सॉस बनाई थी वो ऐड करेंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने जो अनियन और शिमला मिर्च थी वो डालेंगे। इसके साथ हम जो डालेंगे, इसके बाद हम अपना एक वाला कबाब लगाएंगे। साथ ही दो अदर टमाटर, इसके साथ जो सॉस बनाई थी फिर दोबारा से वही लगाएंगे। फिर दोबारा से शिमला मिर्च और प्याज, और इसको कवर कर देंगे। ये हमारा एक बंद कबाब रेडी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।